सो गाइस, जब भी आप आर्डिनो में कोडिंग करने जाते हो तो उसके सामने एक एरर आता है, कंपाइलिंग एरर। आप कौन सा भी प्रोग्राम करते हो, छोटा मोटा हो या फिर बड़े बड़े आप अगर प्रोग्राम्स करते हो तो आपके सामने एक एरर आता है, उसका नाम है कंपाइल एरर। तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आज की वीडियो में देखेंगे। ये जो एरर है काफ़ी सारे इसमें आता है, मोबाइल्स में भी आता है और पीसीज में भी आता है या फिर लैपटॉप में भी आपको आ सकता है। तो ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो इस वीडियो को जो पूरा एंड तक के देखना। तो यहाँ पे देखिए, रॉकस्टार ने मुझे मतलब खुला एक चैलेंज किया, भाई में अगर दम है तो आर्डिनो में आने वाला जो कंपाइल एरर को सॉल्व करते हो तो भाई चले एक्सपेक्टेड ले भैया। तो ले भैया चैलेंज एक्सपेक्ट। आर्डिनो में कोडिंग करने के लिए मैं यूज करता हूँ हमेशा ए वाला ऐप, इसका नाम है आर्डिनो ड्रॉइड। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप को सिंपली हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ मतलब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, आपका जो कोड है वो पेस्ट कर देना है। एंड सिंपली यहाँ पे आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एस कर देना है, अपना जो कंपाइल जो होना जो स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका एक एरर आता है, ये आपको हमेशा एक जो प्रॉब्लम आती है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सताया जाता है इस वाले एरर में। अब इस वाले एरर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे उसको देख लीजिए। ये जो एरर है आपको मोबाइल में भी देखने को मिलेगा एंड जो कंप्यूटर में भी देखने को मिलेगा। इसको हम सिंपली ऊपर में करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो वॉइड सेटअप में जो मतलब यहाँ पे एक एरर है। सबसे पहले ये जो कंपाइल एरर क्या होता है, मतलब इसको ए क्यू आता है, तो ये होता है मतलब अपना जो कि अपने मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर कोई अपने कोई एक सेंटेंस जो वो मतलब हमने एक मतलब अच्छे से नहीं लिखा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई जो लेटर है वो छोटा मोटा हो सकता है, कोई फुल स्टॉप नहीं दे सकता है। मतलब अभी इसका मतलब ये है कि अपना जो कि प्रोग्राम है कोई ना कोई सेंटेंस मिसमैच है, मतलब कुछ भी थोड़ा सा अलग तरीके से वो हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम अभी हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखते हैं। सिंपली हम यहाँ पे डिस्टर्ब्स में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो रेड रेड दिख रहा होगा इसका नाम है एरर। मतलब इस ये जो एरर आइडेंटिफाई करने का काम करता है, अगर छोटा मोटा अगर एरर रहा तो यहाँ पे फिक्स करने का आ जाता है। तो हम सिंपली जो दोनों के उस पर जो फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए। एंड फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 8.3 में मतलब 8 वाला लाइन है एंड 3 नंबर का मतलब अपना वर्ड है। तो इसका के ऊपर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो 8.3 मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे पी एक ये देखिए, हम सिंपली हम इसको छोटा करेंगे। पी का मतलब एक 1, 2 एंड 3 मतलब यहाँ पे जो देखिए एक एरर है, ठीक है। यहाँ पे मतलब अपना जो एम है वो छोटा है तो इसको सिंपली हम बड़ा करेंगे पिन मोड करके ना इसलिए। एंड अभी एक जो देखते हैं देखेंगे एरर अपना हट चुका है एंड अभी 63.1 में। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका नाम है यू, ठीक है, एरर में यू करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस यू को भी हटा देंगे एंड अभी सिंपली हम जो कंपाइल करके देखते हैं कि अपना कंपाइल होता है या नहीं होता या फिर कोई अपने को प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे देख लीजिएगा अपना जो कंपाइल है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, अपना जो कंपाइल भी है वो सही से हो रहा है। आई होप गाइज आपको जो पूरा का पूरा जो एरर है वो समझ में आ गया होगा कि अपना जो एरर है कंपाइल वाला एरर वो क्यों आता है। तो अगर समझ में आया या फिर कोई अगर सॉल्व हुआ है या फिर अगर कोई आपको अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोडिंग एरर के ऊपर होने वाला। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना। अगर आपको अगर कोई अगर बोर्ड कनेक्टिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाली वीडियो आप मेरे आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम आती है एंड क्यों आती है एंड आप किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।